गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपका वकैब का सेक्शन चल रहा है। आज हम लोग वकैब के सेक्शन में से देखेंगे एंटोनिम्स मींस विलोम शब्द, और प्यारे बच्चों 200 एंटोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके चलेंगे, जैसे दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। पहले पार्ट में आपका 100 एंटोनिम्स कराएंगे और दूसरे पार्ट में आपका 100 एंटोनिम्स कराएंगे, मींस दो पार्ट में आपका 200 एंटोनिम्स कंप्लीट करा देंगे, और यहां से आपके एग्जाम में 3 नंबर के सीधे प्रश्न आएंगे। और अगर आपका सही हो गया वकैब वाला पूरा सेक्शन, ऐसा होता है अगर आपका सही हो गया तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत हो गया तो पूरे के पूरे आपसे मार्क्स भी कट जाते हैं। तो प्यारे बच्चे वकैब वाला सेक्शन इसलिए जितना भी करा रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहे हैं, आप यहां से एक भी मिस नहीं करेंगे। और 250 एंटोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला इसके पहले कंप्लीट करा चुके हुए हैं वकैब वाले सेक्शन में से। तो प्यारे बच्चे यहां तक अभी तक आपका हो चुका है, और ये आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 66 है। इसके पहले 65 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने अभी तक आपका नरेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट करा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा चुके हैं, सिंटैक्स कंप्लीट करा चुके हैं, और सिनोनिम्स की आपकी 5 क्लास हो चुकी है, मींस आपका 250 सिनोनिम्स करा चुके हैं। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 11th में होंगे तो अभी आपकी ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप 11th की ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं, और आज की क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर आउट करेंगे, प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है। और क्लास 12th वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, ये उनका महत्वपूर्ण सेक्शन चल रहा है वकैब वाला सेक्शन, आप बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे, और इसे तैयार करते चलिए, हम इस ढंग से आपको बताने की कोशिश करेंगे जिससे आपका तैयार भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए एंटोनिम्स, लिखे हुए विलोम शब्द, लिखे हुए परिभाषा, तो आप लोग वैसे भी जानते हो क्या होता है, और आपके एग्जाम में कोई परिभाषा नहीं पूछने वाले हैं, एक फॉर्मेलिटीज थी हमने यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि किसी शब्द का अर्थ यदि दूसरे शब्द के विपरीत हो तो वह उस शब्द का विलोम कहलाता है। जाहिर सी बात है किसी शब्द का अर्थ अगर दूसरे शब्द के विपरीत है तो आपका विलोम शब्द कहलाएगा, मींस विपरीत शब्द वही तो आपका विलोम हो गया, मींस एंटोनिम हो गया। अब उसी डिफिनेशन को हमने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, अ वर्ड हैविंग अ कंट्रेरी आर एन अपोजिट मीनिंग, मींस एक ऐसा शब्द जिसका विपरीत अर्थ निकलता हो टू अनदर मींस दूसरे शब्द के इज कॉल्ड इट्स एंटोनिम, यही उसका एंटोनिम कहलाता है, मींस विलोम शब्द कहलाता है। एज उदाहरण इसमें देखिए लिखे हुए हैं, बैड टू गुड, जैसे बैड मींस होता है बुरा, गुड मींस होता है अच्छा, बुरा का विलोम क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये आपका एंटोनिम हो गया, मींस ये विलोम शब्द हो गया। उम्मीद करते हैं ये तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये सभी को पता होगा, इसमें कोई बताने वाला नहीं था, नई टॉपिक थी। अब यहां से मेन टॉपिक आपके शुरू होता है, 100 आपका एंटोनिम्स की संख्या आज की क्लास में 0 से 100 तक लेके चलेंगे, मींस 1 से लेकर के 100 एंटोनिम हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से आप लोग बैठ जाइए, कॉपी पेन कलम लेकर के दिमाग स्थिर करके 100 एंटोनिम आपको कवर करना है आज की क्लास में, बिल्कुल दिमाग स्थिर करके बैठ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे देखिए आपका पहला लिखे हुए हैं एबव, एबव मींस होता है ऊपर, एबव मींस होता है ऊपर, और एबव ऊपर हो गया तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और नीचे के लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, बिलो का प्रयोग करते हैं, तो एबव क्या क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा, तो एबव मींस ऊपर, बिलो मींस हो जाएगी नीचे, तो एबव बिलो गया। अगला आपका है अटैक, अटैक मींस होता आक्रमण करना, ठीक है, अटैक मींस आक्रमण करना, जैसे मोहम्मद गोरी ने जो है कई बार जो है आक्रमण किया हुआ था, तो अटैक किया हुआ था, तो आक्रमण मींस अटैक करना हो गया। तो प्यारे बच्चे इसका हो जाएगा डिफेंड, डिफेंड मींस होता है बचाना, अटैक डिफेंड, अटैक डिफेंड, अटैक मींस आक्रमण करना, डिफेंड मींस बचाव करना, तो प्यारे बच्चे ए डिफेंड हो जाएगा, रक्षा कर सकते हो, डिफेंस मंत्रालय भी होता है, डिफेंस मींस रक्षा मंत्री बोलते हैं, कहते हैं ना ये डिफेंस मिनिस्टर है, तो प्यारे बच्चे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसमें भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो प्यारे बच्चों जो है आपका डिफेंस जो होता है, डिफेंस मींस क्या होता है आपका रक्षा, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं तो मींस रक्षा मंत्री उन्हें बोलते हैं। तो आपका अटैक मींस आक्रमण, डिफेंस मींस डिफेंड मींस क्या हो जाएगा, रक्षा
अच्छा करना, ए हो गया एबिलिटी, एबिलिटी मींस होता है योग्यता, एबिलिटी मींस होता है योग्यता। कहा नहीं जाता कि आप अपनी एबिलिटी जो है दिखाओ, शो आप करो, मींस आपकी कितनी क्षमता है, कितनी योग्यता है, उस एबिलिटी को आप देखो। और कहते ही भी कहते हैं कि अपनी एबिलिटी पहचानो, अपनी क्षमता पहचानो, आपके अंदर बहुत एबिलिटी है। एबिलिटी मींस क्षमता या योग्यता। इसका जो है आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनेबिलिटी मींस अयोग्यता हो जाएगा, इनेबिलिटी मींस अयोग्यता। इसके पहले आपने सिंपल सा इन लगा दिया तो एबिलिटी इनेबिलिटी हो गया। आगे है एडवांस, एडवांस मींस होता है आगे बढ़ना, एडवांस मींस होता है आगे बढ़ना, इस सेना में बोला जाता है एडवांस, एडवांस मींस होता है आगे बढ़ना। रिट्रीट, रिट्रीट मींस होता है पीछे हटना, रिट्रीट मींस होता है पीछे हटना, तो एडवांस मींस आगे बढ़ना, रिट्रीट मींस पीछे हटना। अगला है आपका एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मींस होता है विपत्ति। कहते हैं ना कि एडवर्सिटी के दिनों जो काम देते हैं वही अच्छे दोस्त होते हैं, सच्चे दोस्त होते हैं। तो प्यारे एडवर्सिटी मींस होता है विपत्ति, मींस दुख के दिन, एडवर्सिटी मींस विपत्ति या दुख के दिन। आपका क्या हो जाएगा, प्रॉस्पर्टी, प्रॉस्पर्टी मींस समृद्धि के दिन, प्रॉस्पर्टी मींस क्या होता है, समृद्धि के दिन, मींस खुशहाली के दिन। तो प्रॉस्पर्टी हो गया समृद्धि या खुशहाली के दिन, एडवर्सिटी हो गया आपका विपत्ति के दिन हो गया। तो सिंपल सा आप पांचों जल्दी से देख लो, एबव मींस एबव का बिलो हो जाएगा, अटैक, डिफेंड, एबिलिटी, इनएबिलिटी, एडवांस, रिट्रीट, एडवर्सिटी, प्रॉस्पर्टी। उम्मीद करते हैं पांचों तैयार हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे बढ़ते हैं, अराइवल, अराइवल मींस होता है आगमन। जैसे ट्रेन का अराइवल होता है, ट्रेन आती है तो उसे बोलते हैं अराइव हो गई है ट्रेन, अराइवल उसका होता है आगमन टाइम, अराइवल टाइम दिया हुआ होता है, अराइवल मींस होता है आगमन। और डिपार्चर, ट्रेन का छूटने के समय को क्या बोलते हैं, डिपार्चर। तो अराइवल टाइम भी दिया हुआ होता है, डिपार्चर टाइम भी दिया हुआ होता है। तो आप अराइवल मींस होता है आगमन, डिपार्चर मींस होता है प्रस्थान करना, मींस जाने का होना, प्रस्थान हो गया आपका, डिपार्चर हो जाएगा, अराइवल डिपार्चर, अराइवल डिपार्चर। आप इस तरह से अपनी सामान लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएंगे, नहीं तो रट्टा मारेंगे तो हो सकता तो आप दिमाग से निकल भी जाए, भूल भी जाए, लेकिन अगर इन वर्ड्स को अपनी नॉर्मल लाइफ से रिलेट करेंगे तो आपके दिमाग में कभी नहीं निकलेंगे, आज ही नहीं कभी के लिए नहीं निकलेंगे, हमेशा फिट हो जाएंगे आपके दिमाग में, ठीक है। आगे है एंशियंट, एंशियंट मींस होता है प्राचीन। आप इतिहास पढ़ते हो कहते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मींस प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं, तो एंशियंट मींस प्राचीन हो गया। मॉडर्न मींस होता है नवीन, मॉडर्न मींस होता है नवीन। जैसे बुढ़ापा लोग क्या कहते हैं कि आजकल के लड़का लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न होना मतलब नवीन हो गए हैं, तो प्राचीन वो लोग प्राचीन हैं और हम लोग क्या हो गए हैं, नवीन हो गए हैं। तो भैया एंशियंट का क्या हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, सिंपल सा एंशियंट का मॉडर्न हो गया। आगे है अरेस्ट, अरेस्ट मींस होता है गिरफ्तार करना। जैसे पुलिस अरेस्ट करती है ना, अरेस्ट जैसे कह दिया गया पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट कर लिया तो मींस क्या हो जाएगा, गिरफ्तार कर लिया, तो अरेस्ट मींस होता है गिरफ्तार करना। रिलीज, रिलीज मींस होता है छोड़ देना, जैसे जब कैदी को छोड़ दिया जाता है तो कहा जाता है ना कि रिलीज कर दिया गया है उन्हें, तो रिलीज मींस आपका छोड़ देना होता है। तो अरेस्ट मींस गिरफ्तार करना, रिलीज मींस होता है छोड़ देना। एसेंट, एसेंट मींस होता है चढ़ाई, एसेंट मींस होता है चढ़ाई, जैसे ऊपर आप चढ़ाई, जब हिल उल मींस पहाड़ी क्षेत्र में आप चढ़ाई करते हो असेंट बोलते हैं, असेंट मींस होता है चढ़ाई। और डिसेंट, डिसेंट मींस होता है नीचे उतरना, डिसेंट मींस होता है नीचे उतरना, चढ़ना असेंट, डिसेंट आपका नीचे हो जाएगा। आगे है एक्यूरेट, एक्यूरेट मींस सही सही, एक्यूरेट मींस सही सही, जैसे कहते हैं ना कि एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए, मींस एकदम सही सही आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, एक्यूरेट मींस सही सही हो गया। इनएक्यूरेट मींस सही सही न होना, इनएक्यूरेट मींस सही सही न होना। तो प्यारे एक्यूरेट का क्या हो गया, इनएक्यूरेट हो गया। आप सभी वर्डिंग को ध्यान देते चलिए। एक्विट, एक्विट मींस होता है छोड़ देना या मुक्त कर देना, एक्विट मींस होता है छोड़ देना या मुक्त कर देना, किसी को रिलीज कर देना एक्विट होता है। और कन्विक्ट, कन्विक्ट मींस होता है दोषी सिद्ध करना, आप किसी को छोड़ दे रहे हैं तो एक्विट बोलेंगे, लेकिन अगर कोई दोषी सिद्ध हो जा रहा है कि भैया इसने अपराध किया हुआ है, इस सही से दोषी है, तो उसे बोलेंगे कन्विक्ट है। कन्विक्ट मींस होता है दोषी सिद्ध करना, दोषी होना। प्यारे एक्विट मींस छोड़ देना, कन्विक्ट मींस होता है कैद कर लेना, मींस दोषी सिद्ध करना। तो एक्विट कन्विक्ट, एक्विट कन्विक्ट, इस तरह से याद करेंगे। अराइवल, डिपार्चर, एंसेंट, मॉडर्न, अरेस्ट, रिलीज, एसेंट, डिसेंट, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, एक्विट, कन्विक्ट।
प्यारे बच्चे अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, जरूर टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार क्लास देख लेंगे तो आपको बिल्कुल याद भी हो जाएगा, मेमोराइज भी हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम हम लेते हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी कोशिश करते हैं धीरे धीरे आपके दिमाग में भी ये सारी चीजें डिपार्ट हो जाए। प्रस्थान करने का भी डिपार्चर बताए ना, ये आपके दिमाग में सारी चीजें डिपार्ट हो जाए, मीन्स प्रस्थान कर जाए। आगे चलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स होता है स्वीकृति, कहते नहीं हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो जैसे भी है मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन मीन्स होता है छोड़ देना, मीन्स रिजेक्ट कर देना। जैसे ब्याह शादी के लिए जब जाता है तो कहते हैं कि वो हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, हमारा प्रस्ताव हम जो है ब्याह का भेजे थे वो एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब स्वीकार कर लिया, और रिजेक्ट कर दिया तो मतलब उसने मना कर दिया। तो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकृत, रिजेक्शन मीन्स आपका हो जाएगा अस्वीकृत हो जाएगा। आगे आर्मामेंट। आर्मामेंट मीन्स होता है शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण को बोलते हैं आर्मामेंट, मीन्स शस्त्रों से सुसज्जित होना, शस्त्रीकरण मीन्स शस्त्रों से सुसज्जित होना। तो आर्मामेंट, आर्मामेंट का क्या हो जाएगा डिसआर्मामेंट, इसके पहले डिस लग जाता है, मीन्स शस्त्रीकरण न होना डिसआर्मामेंट होता है, तो आर्मामेंट डिसआर्मामेंट हो गया। आगे एब्जर्ड, एब्जर्ड मीन्स होता है आपका एब्जर्ड, विवेक शून्य होना, मतलब कौन हो दिमाग ही न होना, एब्जर्ड, ठीक है, एब्जर्ड होता है। एब्जर्ड का क्या हो जाएगा रीजनेबल, रीजनेबल मीन्स होता है तार्किक इंसान, एक एब्जर्ड है विवेक शून्य है, मतलब उसके कोई दिमाग ही नहीं है, एब्जर्ड है, और रीजनेबल, रीजनेबल मीन्स तार्किक मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति है, तो एब्जर्ड का क्या हो जाएगा रीजनेबल हो जाएगा। आगे आपका जो है इंपल है, इंपल है, इंपल मीन्स होता है पर्याप्त, ए आर यहां पर नहीं होगा, ए एम होगा, यहां आर रिमूव कर देना आप लोग, ए आर नहीं होता है स्पेलिंग, ए एम पी एल ई होता है इंपल, इंपल मीन्स होता है पर्याप्त, प्यारे बच्चे इंपल मीन्स होता है पर्याप्त, ए एम होता है, ए आर नहीं होता है, आर आप रिमूव कर देंगे, इंपल, इंपल मीन्स होता है पर्याप्त, पर्याप्त का मीजर हो जाएगा मीन्स कम हो जाएगा, अपर्याप्त मीजर मीन्स होता है अपर्याप्त, और आपका इंपल मीन्स होता है पर्याप्त, तो मीजर आपका हो गया अपर्याप्त हो गया। आगे एडवांटेज, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ लेना, एडवांटेज मीन्स होता है लाभ लेना, एडवांटेज, इसका क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज हो जाएगा, लाभ न लेना डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये हो गया एडवांटेज, कहते हैं ना कि अगर आपके परिचित के कोई डीएम एसपी है तो आपका उसका एडवांटेज मिल जाएगा, हम कोनो अपराध कर रहे हैं तो हम बच जाएंगे, वो एडवांटेज मिल जाएगा मीन्स उसका लाभ मिल जाएगा, परिचय का लाभ मिल जाएगा, तो एडवांटेज का क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज हो जाएगा। अगला आपका है अग्री, अग्री मीन्स होता है सहमत होना, अग्री मीन्स होता है सहमत होना, तो सहमत का क्या हो जाएगा डिसअग्री हो जाएगा, असहमत होना, असहमत का, सहमत का क्या हो गया अग्री, डिसअग्री हो गया असहमत होना। तो भैया हम आपकी बात से अग्री हैं मीन्स हम सहमत हैं, हम आपकी बात से डिसअग्री हैं मीन्स असहमत हैं, तो अग्री का क्या हो जाएगा डिसअग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं, ये आप पांचों छो आप देख लीजिए एक बार, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन, आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, एब्जर्ड, रीजनेबल, एम्पल, मेजर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्री, डिसअग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आपकी किताब से जो आपका मेन बुक जिस बुक से आपको कराते हैं आपको पता होगा वही सारी हमने लिखे हुए हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक है, जैसे कराते हैं आपका जितने इसमें दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें एकदम बेहतरीन ढंग से कोशिश करते हैं आपको बताने की कोई कुछ टॉपिक आपका छूटे ना। आपने देखा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका, ग्रामर की जितनी क्लास लेके चले हुए हैं हर एक टॉपिक आपको समझाए हुए हैं, कहीं एक भी नहीं छोड़े हुए हैं, ताकि आपका जो है एग्जाम देने के बाद आप कोई बहाना ना बनाओ कि सर यहाँ आपने छोड़ा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आ गया था। आगे चलते हैं एंजल, एंजल मीन्स होता है देवदूत, एंजल मीन्स होता है देवदूत, तो क्या हो जाएगा डेविल हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा, डेविल हो गया एंजल, एंजल का डेविल राक्षस हो गया। एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति, कहते नहीं वो क्लास में एब्सेंस है, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थित है, तो प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति हो जाएगा, प्रेजेंस मीन्स होता है उपस्थिति और एब्सेंस मीन्स होता है अनुपस्थिति, तो एब्सेंस का क्या हो जाएगा प्रेजेंस हो जाएगा। अगला बॉटम मीन्स होता है पेदा, जैसे बाल्टी का जो नीचे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं बॉटम, ठीक है, बाल्टी के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं बॉटम बोलते हैं, और ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं टॉप बोलते हैं, टॉप बोलते हैं ऊपरी भाग को, और नीचे वाले तले को क्या बोलते हैं बॉटम बोलते हैं, पेदा, जिसे पेदा बोलते हैं, बॉटम आपका नीचे वाला तला हो गया और ऊपर वाला भाग जो होता है टॉप होता है, टॉप एरिया, ठीक है, और इसी को कहा जाता है कि हमने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया, जैसे आप क्लास ट्वेल्थ में हैं आपने बोर्ड एग्जाम को टॉप कर दिया, तो टॉप कर दिया मतलब आप सबसे ऊपर आ गए हैं, टॉप करना मतलब क्या हो गया आप सबसे ऊपर आ गए हैं, ठीक है, आप नीचे नहीं हैं,
आप एकदम सबसे ऊपर हैं, आप बॉटम पे नहीं हैं, आप एकदम ऊपर हैं, तो आपका टॉप वही होता है। और हम आपसे उम्मीद करते हैं हमारे बहुत सारे बच्चे टॉप करेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो प्यार बच्चे आपका बॉटम का टॉप हो गया। बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। सेल मीन्स होता है बेचना, और एक दो सेल की सेल होता है, एक कोशिका वाला सेल होता है, ठीक है, और एक बेचने वाला। तो उम्मीद करते हैं आप दोनों में अंतर, जो बायो के जो बच्चे हैं उस सेल की स्पेलिंग जानते होंगे, कुछ सेल की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है। तो बाई का क्या हो गया, सेल हो गया। तो बाई खरीदना, सेल मीन्स बेचना, सोल्ड करना, सेल का सेकेंड फॉर्म सोल्ड होता है। आगे ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है भोथरा या धारहीन, मतलब जिसमें कोई धार ही ना हो, जैसे कोई आप हथियार लिए हुए हो उसमें कोई धार ना हो, उसे बोलते हैं ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे चाकू आप कोई लिए हो, चाकू में धार नहीं हो, तो आप उसे बोलेंगे ब्लंट है। ब्लंट मीन्स आप अब इंग्लिश का वर्ड का यूज करना, नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे वर्डिंग का यूज करना, ठीक है, कहना कि वो ब्लंट है, मीन्स धारहीन है। और अगर तो उसमें तेज धार है तो उसे बोलेंगे शार्प बोलेंगे, शार्प हो जाएगा तेज धार, और ब्लंट हो जाएगा धारहीन हो जाएगा। आगे बिजी, बिजी मीन्स होता है व्यस्त होना, बिजी मीन्स होता है व्यस्त होना, व्यस्त होने का क्या हो जाएगा आइडल, आइडल मीन्स होता है पूरी तरह से खाली होना, मतलब निकम्मा होना, आइडल मीन्स होता है निकम्मा होना एक तरह से। बिजी मीन्स हो गया व्यस्त, आइडल मीन्स हो गया आपका खाली होना, निकम्मा होना। तो भैया बिजी का क्या हो जाएगा, आइडल हो गया, बिजी व्यस्त, और जितना आप व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे। तो प्यार बच्चे आपका बिजी का आइडल हो गया। एक बार छों को फिर से रिवीजन कर लेना, एंजल डेविल एब्सेंस प्रेजेंस बॉटम टॉप बाई सेल ब्लंट शार्प बिजी आइडल। आगे बढ़ते हैं प्यार बच्चे, नंबर 24 पे चलते हैं। 24 है आपका ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स होता है आपका सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स होता है आपका सुंदर। सुंदर क्या क्या हो जाएगा, अगली बदसूरत हो जाएगा, ठीक है, सुंदर का बदसूरत हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना लड़कियां बहुत ही सुंदर है, तो सुंदर मतलब ब्यूटीफुल है, और अगली बहुत ही अगली है, मतलब बहुत ही बदसूरत है, देखने का मन ही नहीं करता इतना बदसूरत है। तो भैया ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीन्स होता है वरदान, कर्स मीन्स हो जाएगा श्राप हो जाएगा। ब्लेसिंग मीन्स हो गया वरदान, कर्स मीन्स आपका श्राप हो जाएगा। आगे ब्रेवरी मीन्स होता है बहादुरी, ब्रेव कहते हैं ना, ब्रेव मीन्स बहादुर बोलते हैं ना, ब्रेवरी लगा दिया गया, ठीक है, तो आपका ब्रेवरी हो गया, बहादुरी हो गया। कावर्डिस मीन्स डरपोक हो गया, कावर्डिस मीन्स आपका डरपोक, कावर्ड होता है डरपोक होता है ना, तो वही आपका कावर्डिस बन गया, कावर्डिस आपका डरपोक हो गया, ब्रेवरी बहादुरी, कावर्डिस डरपोक, ठीक है। आगे है बिलीफ, बिलीफ मीन्स होता है विश्वास करना, बिलीफ होता है विश्वास करना, तो इसका क्या हो जाएगा, डिसबिलीफ हो जाएगा, मीन्स विश्वास न करना। बिलीव मी कहते हैं ना, बिलीव मी मेरा विश्वास करो, तो आपका बिलीव क्या हो गया, विश्वास हो गया, डिसबिलीफ हो जाएगा विश्वास न करना। आगे बेनिफिशियल, बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक, बेनिफिशियल मीन्स होता है लाभदायक। हार्मफुल, हार्मफुल मीन्स हार्मफुल होता है नुकसान, नुकसानदायक। बेनिफिशियल हो गया लाभदायक, हार्मफुल हो गया आपका नुकसानदायक। तो बेनिफिशियल कहते नहीं कि ये जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, मीन्स इस प्रोडक्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मीन्स लाभदायक है, तो आपका बेनिफिशियल। और हार्मफुल मीन्स नुकसान करेगा, तो आपका हार्मफुल हो जाएगा। आगे चलते हैं बैरन, बैरन मीन्स होता है बंजर, बंजर या उजाड़ होना, सुनसान होना, उसे बोलते हैं बैरन। और फर्टाइल हो जाएगा आपका बंजर नहीं होना, मीन्स जो जोत वाली भूमि होती है उसे बोलते हैं फर्टाइल, मतलब उपजाऊ, उपजाऊ जिसे कह सकते हैं। बंजर को बैरन बोलेंगे, और फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, मतलब जो उपयुक्त उपयोग किया जा सके उसे बोलते हैं उपजाऊ। तो प्यार बच्चे बैरन का क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। आप एक बार छाओं को फिर से देखो, ब्यूटीफुल, अगली, ब्लेसिंग, कर्स, ब्रेवरी, कावर्डिस, बिलीव, डिसबिलीव, बेनिफिशियल, हार्मफुल, बैरन, फर्टाइल। आगे बढ़ते हैं नंबर 30 पे बढ़ते हैं। इसी तरह से आप तैयार करेंगे प्यार बच्चे, तभी अच्छे से तैयार होगा। बिगिनिंग है, बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत, शुरुआत का एंड हो जाएगा समाप्ति, ठीक है। इस चैप्टर की कंप्लीट, इस सेशन को कंप्लीट करेंगे तो एंड करेंगे, और शुरुआत करेंगे तो बिगिनिंग करेंगे, बिगिनिंग का एंड हो गया। बारबेरिक, बारबेरिक मीन्स होता है असभ्य होना, बर्बर होना, ठीक है, असभ्य बर्बर होना, दैट इज कॉल्ड बारबेरिक, बारबेरिक। और सिविल होना मतलब सभ्य होना, सिविल होना मीन्स सभ्य होना, तो सभ्य होने का सिविल हो जाएगा, सिविल सभ्य होना। और बारबेरिक मीन्स असभ्य या बर्बर होना। आपके स्कूल में कहा जाता है सिविल ड्रेस है, सिविल ड्रेस है मतलब समझते हो आप, सभ्य वाला ड्रेस है, ऐसा नहीं कि सभ्य वाला हम कुर्ता पजामा पहन के आ गए और लड़की को जींस टॉप पहन के आ गई और स्कूल में ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा तो स्कूल में चलता नहीं। सिविल ड्रेस कहा जाता है मीन्स आप एकदम सभ्य वाला ड्रेस पहनिए, तो सिविल मीन्स आपका क्या होता है, सभ्य होता है।
तो प्यारे बच्चे बारबेरिक मींस होता है असभ्य, बर्बर होता है, और सिविल मींस हो जाएगा आपका सभ्य हो जाएगा। बून मींस होता है वरदान, और बेन या कर्स मींस होता है अभिशाप होता है। बून मींस वरदान और बेन या कर्स हो गया आपका अभिशाप हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बून बेन आपका कभी भी पूछ सकता है, बेन भी पूछ सकता है, तो आप बून कर दोगे। ठीक है, बून मींस होता है वरदान, बेन मींस होता है श्राप। इसमें कभी कभी जो है बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बून को अभिशाप कह देते हैं और बेन को वरदान कह देते हैं। तो प्याची ये बात ध्यान देना, बून मींस होता है वरदान, बेन मींस होता है जो है कर्ज में श्राप होता है, अभिशाप होता है। आगे बेटर मींस होता है अधिक अच्छा, बेटर मींस होता है अधिक अच्छा, एक कंपैरेटिव डिग्री है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री आपका क्या होता है, बेटर होता है। तो बेटर मींस अधिक अच्छा, तो वर्स मींस आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वर्स भी आपका कंपैरेटिव डिग्री, बैड का कंपैरेटिव डिग्री आपका वर्स होता है। तो बेटर का क्या हो गया, वर्स हो गया, सिंपल सा जो है, जैसे गुड का बैड हो गया ना, अब उसी को कंपैरेटिव डिग्री यहां दे दिया, बेटर का वर्स हो जाएगा। चीयरफुल, ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, चीयरफुल मींस हो जाएगा आपका प्रसन्न हो जाएगा, मींस खुश मिजाज जो रहते हैं उन्हें चीयरफुल बोलते हैं। तो चीयरफुल का क्या हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा, चीयरफुल का पैरची आपका ग्लूमी हो जाएगा, तो चीयरफुल आपका ग्लूमी हो गया। कनकॉर्ड, कनकॉर्ड मींस होता है एकता, या जो है एकता या फिर आपका जो है सहमत होता है कनकॉर्ड। डिस्कॉर्ड हो जाएगा मींस असहमत होना, मींस एकता ना होना, डिस्कॉर्ड होता है। और ये दोनों आपके 2014 और 18 में आया हुआ है, कनकॉर्ड मींस आपका कनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड आपका 14 और 18 में आपकी बोर्ड एग्जाम में आई हुई है। प्यार बच्चे जितना करा रहे हैं इस बात को मानो, इसमें 50% आपके 70% आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सारे आपके बोर्ड एग्जाम किसी न किसी पेपर में सब कुछ आए हुए हैं, जितना करा रहे हैं हर एक आया हुआ है। तो इसलिए हम इसमें डेट नहीं बता सकते कौन 2018 में आया, 17 में आया, लेकिन आप मान के चलो 200 जितना एंटोनिम्स करा रहे हैं, सारे एंटोनिम्स आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए एंटोनिम्स है। तो प्यार बच्चे इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कनकॉर्ड मींस डिस्कार्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मींस होता है जटिल होना, कॉम्प्लिकेटेड मींस होता है जटिल होना, कहते नहीं कि बड़ा मैटर कॉम्प्लिकेटेड है मींस जटिल है। जटिल का क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, जटिल का सिंपल सी बात है, सिंपल हो जाएगा। कॉसस, कॉसस मींस होता है सावधान होना, किसी चीज से कॉसस मींस सावधान होना, तो नेग्लिजेंट हो जाएगा। नेग्लिजेंट मींस होता है असावधान, मतलब ध्यान न देना किसी चीज का, असावधान हो जाता है नेग्लिजेंट, तो कॉसस का आपका नेग्लिजेंट हो गया। अगला कंसेंट, कंसेंट मींस होता है सहमति, जैसे हम कहते हैं कि हमने इस बात पर अपना कंसेंट दे दिया, मींस सहमति दे दिया, तो कंसेंट मींस होता है सहमति। डिसेंट हो जाएगा आपका, असहमत हो जाएगा, कंसेंट सहमति, डिसेंट असहमत हो जाएगा। आगे कन्फेस मींस होता है स्वीकार करना, कन्फेस मींस होता है स्वीकार करना, एडमिट मींस भी होता है स्वीकार करना। हमने सिनोनिम्स वाले टर्म में से बताए थे कन्फेस का, आपका कन्फेस और एडोन जो है क्या बोले अपने, एडमिट, एडमिट दोनों का मतलब होता है स्वीकार करना। और हमने एक सिनोनिम्स बताए थे एक्सेप्ट भी बताए हुए थे, एक्सेप्ट मींस भी होता है स्वीकार करना। तो आपका कन्फेस मींस स्वीकार करना क्या हो जाएगा, डिनाई कर देना मींस मना कर देना, डिनाई करना मींस मना कर देना, तो कन्फेस का डिनाई हो गया। आगे कंपेयर, कंपेयर मींस होता है तुलना करना, ठीक है, जैसे कहते हैं डोंट कंपेयर मी मींस मेरा तुलना ना करो, कंपेयर का क्या हो जाएगा, तुलना करना हो जाएगा, तो कंपेयर का कंट्रास्ट हो जाएगा, कंपेयर मींस तुलना करना, कंट्रास्ट मींस विरोध दिखाना, तो आपका कंपेयर का कंट्रास्ट हो गया। करिजियस, करिजियस मींस होता है साहसी, और टीमिड मींस होता है जो डरपोक होते हैं उन्हें टीमिड बोलते हैं, ठीक है, करिजियस का टीमिड हो गया आपका। कावर्डिस भी हमने आपको पीछे बताए हुए हैं, ठीक है, करेज का हमने कॉवर्डिस भी बताए हुए हैं, तो आपका करेजियस मींस साहसी, टिमिड मींस होता है जो डरपोक होते हैं उन्हें टिमिड बोलते हैं। तो प्यारे करेजियस का आपका टिमिड हो गया। फिर से देख लो, कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, कॉसस, नेग्लिजेंट, कंसेंट, डिसेंट, कॉन्फेस, डिनाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, करेजियस, टिमिड, आप इस तरह से तैयार करेंगे तभी आपको, जैसे अगर हमने आपसे पूछा कॉम्प्लिकेटेड सीधे बताओ सिंपल, कॉसस नेग्लिजेंट, कंसेंट डिसेंट, ऐसे आपके दिमाग में पूरी तरह से सीधे कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हमने नॉर्मल लाइफ से रिलेट इसलिए कर रहे हैं। आगे चलते हैं केयर, केयर मींस होता है देखभाल करना, केयर मींस होता है देखभाल करना, निग्लेक्ट करना, कहते नहीं कि वो मुझे निग्लेक्ट कर रहा है, मतलब हमको इग्नोर कर रहा है, तो देखभाल करना आपका केयर हो गया। निग्लेक्ट करना मींस इग्नोर करना, मींस अनसुना करना, तो केयर का निग्लेक्ट करना, ठीक है। जैसे जो है जब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होते हैं तो कहते हैं कि अगर बढ़िया वाला चल रहा है तो कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है कि हमारी बहुत ही केयर करती है, तो भैया केयर मतलब हमारी देखभाल करती है, हमारा ख्याल रखती है, और अगर ढंग का नहीं मिली, ब्याह हो गया अगर ढंग का नहीं मिली, तो हम कहते हैं कुछ जो है बहुत ही निग्लेक्ट करती है,
ठीक है, निग्लेक्ट करना मतलब हमको ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करती है बहुत, तो केयर का आपका निग्लेक्ट हो गया। आगे क्रिएशन, क्रिएशन में होता निर्माण करना, किसी चीज को जब बनाती हो तो उसे बोलते हैं क्रिएशन बोलते हैं, और जब आप उसे विनाश उसका कर देते हो तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन, मीन्स डिस्ट्रक्शन आपका हो जाता है। क्रिएशन मीन्स होता है निर्माण करना, डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है आपका विध्वंस करना, तो क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन हो गया। आगे कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास, तो डिफिडेंस मीन्स हो जाएगा अविश्वास, तो कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, डिफिडेंस मीन्स होता है अविश्वास, कॉन्फिडेंस डिफिडेंस शब्द भी मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंस डिफिडेंस शब्द भी आपको मिल रहे हैं, दो तीन बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, लापरवाही से देखो कोई चीज बिना मेहनत की नहीं आती है, आप दो तीन बार पढ़ोगे आराम से कंठस्थ हो जाएगा। अगले सिविलाइज्ड मींस होता है सभ्य, सिविलाइज्ड मींस होता है सभ्य होना, अनसिविलाइज्ड आपका क्या हो जाएगा असभ्य होना, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड आप रिलेट कर लोगे। कॉज, कॉज मींस होता है कारण, इफेक्ट मींस होता है प्रभाव, कॉज आपका कारण हो गया, इफेक्ट आपका इसका जो है एंटोनिम हो गया। सर्टेन, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित होना, कहते ना दिस इज सर्टेन मीन्स यह निश्चित है, अनसर्टेन हो जाएगा मीन्स निश्चित ना होना, अनिश्चित होना, अनसर्टेन, ठीक है, कहते हैं ना अनसर्टेनिटी चारों तरफ है मीन्स अनिश्चितता चारों तरफ है, अनसर्टेन का आपका अनिश्चित हो जाएगा। ये प्यार चीज छो एक बार फिर से देख लेना, केयर मीन्स केयर का आपका हो जाएगा नेग्लेक्ट, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, कॉन्फिडेंस डिफिडेंस, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड, कॉज इफेक्ट, क्रिएशन सॉरी सर्टेन अनसर्टेन, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं नंबर आपका 48 पे बढ़ते हैं। क्रेडिट मीन्स होता है उधार देना, क्रेडिट मीन्स होता है उधार देना, और कैश मीन्स होता है नगद लेना, क्रेडिट मीन्स उधार, कैश मीन्स नगद हो जाएगा, उधार क्रेडिट और कैश नगद हो जाएगा, सिंपल सा, क्रेडिट कैश, क्रेडिट कैश, तो क्रेडिट मीन्स उधार, कैश मीन्स नगद। आगे कन्वर्ज, कन्वर्ज मीन्स आप जो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा प्रतिबिंबों को एक जगह मिला देना, कन्वर्ज करना होता है, और डाइवर्ज मीन्स होता है फैला देना, डाइवर्ज मीन्स होता है फैला देना, कन्वर्ज मीन्स एक जगह सभी को एक जगह मिला देना, दैट इज कॉल्ड कन्वर्ज, और उसे वहां से फैला देना, दैट इज कॉल्ड डाइवर्ज। तो एक केंद्र अथवा बिंदु से मिलना मीन्स कई चीज मिलकर के एक केंद्र पे मिले तो उसे बोलते हैं कन्वर्ज, और अलग अलग पे मिल रहे हैं तो उसे बोलते हैं डाइवर्ज बोलते हैं, तो कन्वर्ज का आपको क्या होता है डाइवर्ज होता है। आगे डोसाइल, डोसाइल मीन्स होता है विनम्र होना, मतलब सभ्य होना, ढंग का होना, डोसाइल उसे बोलते हैं, तो स्टबर्न हो जाएगा, स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी होना, इसे आपको और जो है कहीं बताएंगे वकेबल ही सेक्शन में आपको स्टबर्न और मिलेगा। तो प्यार बच्चे आपका डोसाइल क्या हो जाएगा स्टबर्न मिल हो जाएगा, तो डोसाइल विनम्र, स्टबर्न मीन्स आपका जिद्दी हो जाएगा। आगे चलते हैं डीप, डीप मीन्स होता है गहरा, तो ये देखो यहाँ इसे हटाए नहीं, 2014 में आया हुआ है प्यार बच्चे, इसमें जितने सारे हैं सभी आए हुए हैं, हमने उसे हटा दिए हुए हैं, जिस सत्र में आया हुआ है हमने यहाँ पर स्पेस खाली करने के लिए हमने हटा दिए हुए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका डीप का क्या हो जाएगा गहरा, गहरे का क्या हो जाएगा सैलो हो जाएगा, गहरा मीन्स आपका गहरे का, सैलो, सैलो मीन्स होता है खोखला, सैलो मीन्स होता है खोखला, तो डीप का सैलो हो जाएगा। आगे चलते हैं डिफिनिट, डिफिनिट का आपका निश्चित होता है, इनडिफिनिट आपका अनिश्चित हो जाएगा, डिफिनिट मीन्स निश्चित, इनडिफिनिट आपका अनिश्चित हो जाएगा। जैसे हमने आपको आर्टिकल पढ़ाए हुए थे तो उसमें मैंने बताया था डिफिनिट आर्टिकल बताए थे और इनडिफिनिट आर्टिकल बताए थे, डिफिनिट मीन्स निश्चित आर्टिकल, इनडिफिनिट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल। तो प्यार से डिफिनिट में हमने आर्टिकल दी का प्रयोग बताए हुए थे और इनडिफिनिट में आपका आर्टिकल ए एन बताए हुए थे, तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, डिफिनिट मीन्स निश्चित और इनडिफिनिट मीन्स आपका अनिश्चित हो गया। तो ए आपके छह हो गए, क्रेडिट कैश कन्वर्ज डाइवर्ज डोसाइल स्टबर्न डीप सैलो डिफिनिट इनडिफिनिट। आगे बढ़ते हैं नंबर 53 पे बढ़ते हैं। डेड मीन्स होता है मरा हुआ, अलाइव मीन्स होता है हो जाएगा जिंदा, डेड मीन्स आपका मरा हुआ, अलाइव आपका जिंदा हो जाएगा, कोई डेड हो गया तो जो है उसके लिए मरा हुआ के लिए डेड और अलाइव मीन्स जिंदा। आगे डल, डल मीन्स होता है भद्दा होना या नीरस होना, कोई चीज जब भद्दी होती है नीरस होती है तो उसे बोलते हैं डल बोलते हैं, ठीक है, जैसे कहते हैं आज बड़ा देखने में डल डल महसूस हो रहे हो, ठीक है, मतलब आज थोड़ा सा नीरस महसूस कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा ब्राइट हो जाएगा, या फिर इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर, तो ब्राइट कर सकते हो या फिर इंटरेस्टिंग कर सकते हो, तो डल का आपका ब्राइट या इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं डिफेंस, डिफेंस अभी हमने आपको बताया, डिफेंस का आपको हमने बताया रक्षा बताया,
हमने बताया डिफेंस मिनिस्टर, हमने चर्चा किया हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि इस समय भारत का डिफेंस मिनिस्टर कौन है। डिफेंस मीन्स होता है आपका रक्षा, ऑफेंस हो जाएगा, ऑफेंस मीन्स युद्ध हो जाएगा, तो डिफेंस का ऑफेंस हो जाएगा। आगे डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, डोमेस्टिक जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़े होंगे, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू जानवर, तो जो आपके घरेलू में पाले जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो फिर आपसे डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, तो इसका वाइल्ड हो जाएगा, वाइल्ड मीन्स आपका जंगली हो जाएगा, डोमेस्टिक घरेलू, वाइल्ड आपका जंगली हो जाएगा। डिफिसिट, अगला नंबर 57 है डिफिसिट, डिफिसिट मीन्स होता है कमी या घाटा, कहीं कमी हो गई है या फिर कोई घाटा हो गया है तो डिफिसिट बोलते हैं। सरप्लस होना मीन्स अधिकता हो जाना, सरप्लस आपका अधिकता हो जाना, डिफिसिट मीन्स आपका कमी या घाटा हो गया। आगे डिपॉजिट, बैंक में जाकर के आप पैसा जमा करते हो तो उसे कहते हो डिपॉजिट किए हुए हैं, और जब बैंक से निकालते हो तो विड्रॉ कहते हो, बैंक में पैसा जमा दैट इज कॉल्ड डिपॉजिट, और निकालना बैंक से विड्रॉ होता है। तो डिपॉजिट मीन्स आप समझ जाना जमा करना, विड्रॉ मीन्स होता है निकालना, विड्रॉ मीन्स निकालना, डिपॉजिट मीन्स होता है जमा करना। उम्मीद करते हैं सभी समझ में आ गए होंगे। फिर से देखना, डेड का अलाइव, डल का ब्राइट इंटरेस्टिंग, डिफेंस का ऑफेंस, डोमेस्टिक का वाइल्ड, डिफिसिट का सरप्लस, डिपॉजिट का विड्रॉ। आगे बढ़ते हैं नंबर 59 पे बढ़ते हैं, ड्वार्फ है प्यार बच्चे, ड्वार्फ मीन्स होता है बौना होना मीन्स छोटा होना, डॉल्फिन्स होता है बौना या छोटा होता है, जायंट हो जाएगा, जायंट मीन्स होता है विशाल, जायंट मीन्स होता है विशाल, तो डॉर्फ का आपका हो जाएगा जायंट हो जाएगा। आगे डिमांड, डिमांड मीन्स होता है मांग, जैसे कहते हैं ना कि डिमांड और सप्लाई आप पढ़े हो, डिमांड जो इकोनॉमिक्स के बच्चे होंगे वो डिमांड सप्लाई पढ़े होंगे, मांग जितनी अधिक होगी उतना उसका सप्लाई भी अधिक होगा, तो ये जो है आपका डिमांड होता है, डिमांड मीन्स होता है मांग होना मीन्स कितनी उसकी खपत है, और सप्लाई मीन्स उसकी जो है कितना पैदा किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो आपका डिमांड का सप्लाई हो जाएगा। डिफीट, डिफीट मीन्स होता है हार, डिफीट मीन्स होता है हार, विक्ट्री हो जाएगा, जीत हो जाएगा, विक्ट्री मीन्स जीत, डिफीट मीन्स हार, विक्ट्री मीन्स जीत हो जाएगा। और यह हार वाला कौन, गलवा में जो मेहरारू लोग पहनती हैं वो वाला हार, यहाँ पर पहनने वाला हार नहीं है, अरे कहीं पर हार जाने वाला हार यहाँ पर है, ठीक है। तो भैया डिफीट का क्या हो जाएगा, विक्ट्री हो जाएगा। आगे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा आपका, डिफिकल्ट मीन्स होता है कठिन, तो डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा इजी, इजी मीन्स आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट मीन्स आपका कठिन है, इजी मीन्स आसान हो जाएगा, सिंपल सा। आगे डिसोलेट, डिसोलेट मीन्स होता है सुनसान, एकदम वीरान एरिया कहीं होना, डिसोलेट मीन्स होता है वीरान एरिया, सुनसान जगह, डिसोलेट। और इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मीन्स होता है जहां लोग बसे हुए हों, निवासी जहां के होते हैं उसे बोलते हैं इनहैबिटेड, मीन्स जहां लोग रहते हैं उसे बोलते हैं इनहैबिटेड। तो क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे आपकी किताब में इनहैबिटेड आया हुआ था, ठीक है, आपका जो है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में आपका इनहैबिटेड आया हुआ था, तो उम्मीद करेंगे आपको याद होगा। डिसोलेट का आपका क्या हो जाएगा, इनहैबिटेड हो जाएगा। आगे डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स होता है कठिनाई या परेशानी में होना, तो इसका क्या हो जाएगा, कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स आराम से होना, एकदम कंफर्ट मीन्स मजे से होना, कंफर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रेस कंफर्ट, डिस्ट्रेस कंफर्ट। तो प्यार चीज छो एक बार फिर से देख लो, डॉर्फ जायंट, डिमांड सप्लाई, डिफीट विक्ट्री, डिफिकल्ट इजी, डिसोलेट इनहैबिटेड, डिस्ट्रेस कंफर्ट। आगे बढ़ते हैं नंबर 65 पे बढ़ते हैं, प्यार चीज आपका 65 है डिस्टेंट, डिस्टेंट, डिस्टेंट मीन्स होता है दूरस्थ, डिस्टेंट मीन्स होता है दूरस्थ, जैसे डिस्टेंस बोलते हैं ना, डिस्टेंस डिस्टेंट बना हुआ है, डिस्टेंट मीन्स हो जाएगा दूरस्थ मीन्स जो दूर है, और नियर इसका जो है अपोजिट मीन्स एंटोनिम्स हो जाएगा, नियर मीन्स नजदीक होना, दूर नजदीक, दूर नजदीक, तो आपका डिस्टेंट का मीन्स होता है दूर, और नियर का क्या हो जाएगा, नजदीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 66 है डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स होता है गतिशील होना, जो हमेशा मूवमेंट करता रहे, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक हो जाएगा मीन्स स्थिर होना, स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर होना, स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स स्थिर होना, डायनेमिक स्टैटिक, डायनेमिक स्टैटिक, आपका डायनेमिक का स्टैटिक हो गया। आगे डिमिनिस, डिमिनिस मीन्स होता है कम करना, डिमिनिस मीन्स होता है कम करना, इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ा देना, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ा देना, डिमिनिस मीन्स होता है आपका कम करना, तो डिमिनिस का आपका इंक्रीज हो गया। आगे डेथ मीन्स होता है मृत्यु, लाइफ मीन्स हो जाएगा जीवन, डेथ मीन्स मृत्यु, लाइफ जीवन हो जाएगा। डिफेंसिव, फिर वही आ गया रक्षात्मक, तो ऑफेंसिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है डिफेंस का ऑफेंस होता है, तो डिफेंसिव का रक्षात्मक का आपका ऑफेंसिव हो जाएगा, इसे आपको पहले ही बता चुके हुए हैं। डिपेंडेंट अगला है नंबर 70 है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स होता है परतंत्र, किसी के अधीन होना,
जैसे भारत 1947 के पहले डिपेंडेंट था अंग्रेजों का, इस अंग्रेजों के अधीन था, तो परतंत्र होना दैट इज डिपेंडेंट। और 1947 के बाद भारत क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, मींस अपने ऊपर हो गया, स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट बोलेंगे, स्वतंत्र होना, और इसलिए इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है। तो प्यारे आपका डिपेंडेंट का क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आपका क्या हो जाएगा, फिर से छह को एक बार देख लो, डिस्टेंट नियर डायमिक स्टेटिक डिमिनिश इंक्रीज डेथ लाइफ डिफेंसिव ऑफेंसिव डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये आपके छह हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 71 पे बढ़ते हैं, और 71 पे बढ़ने से पहले जो भी बच्चा लोग चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11 12th के हर एक बच्चे तक यह वीडियो पहुंचाना चाहिए। और बार बार कहते हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को आप पहुँचाना, शेयर करना, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, जो किताब नहीं खरीद सकते, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रामर की किताब भी नहीं खरीदे होंगे, उन हर एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करना प्यारे, जिससे उनका कुछ बेहतर हो सके, वो भी अच्छा बेहतर कर सके। तो प्यारे आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर 71 पे बढ़ते हैं। 71 है आपका ड्राई, ड्राई मीन्स होता है सूखा, ड्राई मीन्स होता है सूखा, सूखे का क्या हो जाएगा, वेट, वेट मीन्स गीला हो जाएगा, ड्राई मीन्स सूखा, वेट मीन्स गीला हो गया, तो ड्राई वेट हो गया। आगे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहरी, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहरी, इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स होता है आंतरिक, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहरी, इंटीरियर मीन्स होता है आंतरिक होता है, तो आपका एक्सटीरियर का बाहरी हो गया, इंटीरियर आंतरिक हो गया। एग्जामिनर, एग्जामिनर मीन्स होता है परीक्षक, मीन्स जो परीक्षा ले रहा है उसे बोलते हैं एग्जामिनर बोलते हैं, और एग्जामिनी बोलते हैं जो परीक्षा दे रहा है, जो परीक्षा ले रहा है उसे बोलेंगे एग्जामिनर बोलेंगे, और जो परीक्षा दे रहा है उसे बोलते हैं एग्जामिनी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चे एग्जामिनर का एग्जामिनी हो गया। एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट मीन्स होता है शीघ्र भेजना, एक्सपेडाइट मीन्स होता है शीघ्र भेजना, का क्या हो जाएगा, डीले, डीले मीन्स होता है लेट करना, तो एक्सपेडाइट मीन्स होता है आपका शीघ्र भेजना, तो डीले मीन्स हो जाएगा देर करना, ये हो गया। इब, इब मीन्स होता है अवनति या उतार, इब मीन्स होता है ढलान होना, अवनत होना, उतार होना। फ्लो मीन्स होता है आगे बढ़ना, फ्लो मीन्स आपका होता है आगे बढ़ना, तो ईव का आपका फ्लो हो जाएगा। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट मीन्स होता है आपका आनंद, इंजॉयमेंट मीन्स होता है आपका आनंद होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, आनंद का सफरिंग मीन्स कष्ट हो गया। जैसे आप कहते हो कि हम सफर पे हैं अभी, जैसे कहीं आप यात्रा पर निकले हुए होते हो तो आप कहते हो हम सफर पे हैं अभी, सफर मतलब आप कष्ट उठा रहे हो उस समय, ठीक है, मजे नहीं कर रहे हो, सफर मीन्स होता है कष्ट उठाना, ठीक है, तो आपका आपका इंजॉयमेंट का क्या हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगा। आप एक बार फिर से पूरे के देख लो, ड्राई का आपका वेट हो जाएगा, एक्सटीरियर आपका इंटीरियर हो जाएगा, एग्जामिनर आपका एग्जामिनी हो जाएगा, एक्सपेडाइट मीन्स हो जाएगा डिले हो जाएगा, इव का आपका फ्लो हो जाएगा, इंजॉयमेंट आपका सफरिंग हो जाएगा। ए आपका पैराग्राफ 76 हो गया, आपका 76 हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 77 पे बढ़ते हैं, 77 है आपका अर्ली, अर्ली मीन्स होता है शीघ्र, अर्ली मीन्स होता है शीघ्र, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्यारे नंबर 77 है अर्ली, अर्ली मीन्स होता है शीघ्र, लेट मीन्स होता है देर करना, शीघ्र मीन्स अर्ली हो जाएगा, लेट मीन्स आपका देर हो जाएगा, अर्ली शीघ्र, अर्ली मीन्स शीघ्र, लेट मीन्स देर हो गया। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मीन्स होता है मितव्ययी होना, इकोनॉमिकल मीन्स होता है मितव्ययी होना, मतलब समझ रहे हो, कंजूस होना, इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी होना, कंजूस होना, और कंजूस का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स फिजूल खर्ची करने वाला, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है फिजूल खर्ची करने वाला, तो भैया इकोनॉमिकल क्या क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, मीन्स फिजूल खर्ची हो जाएगा। आगे इनकरेज, इनकरेज मीन्स होता है उत्साहित करना, डिस्करेज करना, जो है हतोत्साहित करना, डिस्करेज मीन्स होता है हतोत्साहित, और इनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना दैट इज कॉल्ड इनकरेज, और हतोत्साहित करना दैट इज कॉल्ड डिस्करेज। तो आपका इनकरेज का डिस्करेज हो गया। अर्न, अर्न मीन्स होता है आपका कमाना, स्पेंड, स्पेंड मीन्स हो जाएगा खर्च करना, अर्न मीन्स कमाना, स्पेंड आपका हो गया खर्च करना हो गया। एंट्रेंस, एंट्रेंस मीन्स प्रीवियस, एंट्रेंस जैसे एंट्रेंस आप एग्जाम देते हो कहीं पर, जैसे आप 12th के बाद आप कहीं पर एंट्रेंस दोगे, मीन्स प्रवेश के लिए आप एग्जाम दे रहे हो। और एग्जिट, एग्जिट मीन्स होता है बाहरी, मीन्स बाहर जाना।
जैसे आप दुर्गा उर्गा पूजा जब लगता है तो कहीं कहीं लिखा हुआ होता है इंट्रेंस डोर लिखा हुआ होता है और एग्जिट डोर लिखा हुआ होता है, या फिर मंदिर में भी ये चीजें होती हैं। तो इंट्रेंस और एग्जिट आप वहां से उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे। इंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश, एग्जिट मीन्स आपका जो है निकलना, ठीक है। ये हो गया इंट्रेंस और एग्जिट हो गया। फेल्योर, फेल्योर मीन्स होता है असफलता, और सक्सेस मीन्स हो जाएगा सफलता, आप इसे जानते हो। फेल्योर मीन्स असफलता, सक्सेस मीन्स आपका सफलता। एक बार सभी का फिर से देख लेना। अर्ली आपका लेट हो गया, इकोनॉमिकल एक्स्ट्रावेगेंट, इनकरेज डिस्करेज, अर्न स्पेंड, इंट्रेंस एग्जिट, फेल्योर सक्सेस। ए प्यार बच्चे आपके 82 हो गए। आगे बढ़ते हैं नंबर 83 पे बढ़ते हैं। 83 है आपका फ्रैंक है। फ्रैंक मीन्स होता है अस्पष्ट होना, मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड जो होते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रैंक होते हैं। तो प्यार बच्चे फ्रैंक का क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, फ्रैंक का रिजर्व्ड हो जाएगा। आगे फ्रीडम चलते हैं। फ्रीडम मीन्स होता है स्वतंत्रता, किसी चीज को पूरी तरह से स्वतंत्र होना, अपने अधिकार में लेना, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। जैसे आपको इस समय भारत में फ्रीडम है, मीन स्वतंत्रता है, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप कुछ भी मतलब ही नहीं कि किसी का कत्ल करके चले आए, किसी का कुछ और करके चले आए, ऐसा जो है फ्रीडम नहीं की बात कर रही है। आपकी फ्रीडम वहां तक है जहां तक आपकी हरकत से दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है। अगर दूसरे को नुकसान हो गया तो समझो वहीं पर आपकी फ्रीडम चली जाएगी। तो भैया आप समझ लेना कि आपकी फ्रीडम क्या होती है। तो फ्रीडम आपको क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक है। फ्रीडम का स्वतंत्रता, तो इसका स्लेवरी हो जाएगा। स्लेवरी मीन्स होता है दासता, स्वतंत्रता का आपका दासता हो जाएगा। फेम, फेम मीन्स होता है यस, फेम का यस होता है, और डी फेम हो जाएगा अपयस हो जाएगा। फेम का आपका डी फेम मीन्स अपयस हो गया। फ्रंट, फ्रंट मीन्स होता है सामने का भाग, जैसे कहते हैं फ्रंट व्यू मीन्स सामने का दृश्य, फ्रंट व्यू सामने का दृश्य। और बैक मीन्स बैक व्यू मीन्स पीछे का, फ्रंट आपका सामने का भाग हो गया, बैक मीन्स पीछे हो गया, फ्रंट का बैक हो गया। फ्रोन मीन्स भौवें चढ़ाना, भौवें चढ़ाना मतलब क्रोधित होना। अगर आप फ्रोन कर रहे हो मीन्स भौवें चढ़ा रहे हो, तो मीन्स जाहिर से क्रोधित होना। क्रोधित होने का क्या हो जाएगा, स्माइल करना मीन्स मुस्कुराना, मुस्कुरा दे रहे तो आपका जो है एंटोनिम्स हो जाएगा, फ्रोन का आपका स्माइल हो जाएगा। आगे है फार, फार मीन्स होता है दूर, फार मीन्स होता है दूर, और नियर मीन्स हो जाएगा आपका नजदीक, फार दूर, नियर मीन्स नजदीक। तो प्यार ये आपके 6 हो गए। फिर से एक बार देख लो, फ्रैंक रिजर्व, फ्रीडम स्लेवरी, फेम डी फेम, फ्रंट बैक, फ्रोन स्माइल, फार नियर। आगे बढ़ते हैं नंबर 89 पे बढ़ते हैं। 89 आपका प्यार है फार्चून, फार्चून मीन्स होता है भाग्य, फार्चून भाग हो जाएगा। मिस फार्चून मीन्स दुर्भाग्य होता है, फॉर्चून भाग होता है, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य होता है। फुल, फुल मीन्स होता है भरा हुआ, द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, मीन्स ग्लास किससे भरा हुआ, पानी से भरा हुआ है। फुल मीन्स आपका भरा हुआ, एम्प्टी मीन्स हो जाएगा खाली, फुल भरा हुआ, एम्प्टी खाली हो जाएगा। फाइन, फाइन मीन्स होता है अच्छा होना, कोर्स मीन्स आपका हो जाएगा बुरा होना, फाइन मीन्स अच्छा होना, कोर्स मीन्स बुरा हो जाना। फियर्स, फियर्स मीन्स होता है भयंकर, तो फियर्स का क्या हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। फियर्स, फियर्स मीन्स भयंकर, जेंटल आपका हो जाएगा। फ्रेश, फ्रेश मीन्स होता है ताजा, जैसे सब्जी उब्जी आप मार्केट में लेने जाते हो, कहते हो फ्रेश चाहिए, फ्रेश मीन्स ताजा चाहिए, ठीक है। स्टेल हो जाएगा, स्टेल मीन्स हो जाएगा बासी, स्टेल मीन्स जो होता है आपका बासी होता है, जैसे समवाक भोजनवा कर जो है, जैसे शाम वाला रात वाला भोजन बना उस सुबह खा रहे हो, तो भैया स्टेल भोजन आप कर रहे होते हैं, मीन्स स्टेल फूड आप लिए हुए हैं, मीन्स बासी भोजन लिए हुए हैं, तो भैया फ्रेश का क्या हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचकदार, फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचकदार, तो क्या हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। रिजिड मतलब स्थिर होना, स्थिर होना रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल लचकदार होता है। तो प्यारे फिर से एक बार इन छहों को देख लेना, फॉर्चून मिस फॉर्चून, फुल एम्पटी, फाइन कोर्स, फियर्स जेंटल, फ्रेश स्टेल, फ्लेक्सिबल रिजिड। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो अब अंतिम हम लोग देखते हैं, अंतिम 6 देखते हैं। और प्यार बच्चे हमने एक एक वर्ड जो भी आपकी किताब में दिए हुए हैं सारे हमने वर्डिंग करा रहे हैं, ताकि आपको जो है और सारे एग्जाम में आपके आए हुए हैं, ताकि आपको उसको तैयार करने में कहीं दिक्कत ना हो। आप अच्छे से तैयारी करना बार बार करें, अच्छे से पूरी मेहनत हम आपके साथ ईमानदारी से कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी है, आप ही अपनी ईमानदारी से मेहनत करोगे। आगे चलते हैं नंबर 95 चलते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स होता है मित्र, फ्रेंड मीन्स होता है मित्र। इनमी हो जाएगा मीन्स दुश्मन हो जाएगा, या फोबी, दुश्मन को फोबी बोलते हैं, FOE, फो मीन्स होता है दुश्मन, उसे फोबी बोलते हैं। फ्रेंड कर दो या इनमी कर दो। आगे है फर्म,
फर्म मीन्स होता है दृढ़ होना, स्थिर होना। फर्म का इनफर्म हो जाएगा, अस्थिर होना, दृढ़ न होना, आपका फर्म का इनफर्म हो गया। फॉरेन, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी, फॉरेन मीन्स होता है विदेशी। तो फॉरेन का आपका क्या हो जाएगा, नेटिव हो जाएगा। नेटिव मीन्स अपने देश का, फॉरेन मीन्स हो गया विदेशी, और नेटिव मीन्स आपको आपका हो गया अपने देश का, हो गया फॉरेन का, नेटिव हो गया। फ्रेंडली, फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत, फ्रेंडली मीन्स होता है मित्रवत। हॉस्टाइल हो जाएगा शत्रुवत हो जाएगा, फ्रेंडली हॉस्टाइल हो जाएगा मीन्स शत्रुवत हो जाएगा। फुलिश, फुलिश मीन्स होता है बुद्धिहीन, मतलब बुद्धि ना होना, दैट इज कॉल्ड फुलिश। फुलिश का क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा मीन्स बुद्धिमान हो जाएगा, फुलिश आपका वाइज हो जाएगा। आगे है फॉल्स, फॉल्स मीन्स होता है असत्य, आपका ट्रू मीन्स हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आप ट्रू फॉल्स करते हो, आपके ट्रू फॉल्स आपकी किताब में दिए हुए हैं, ट्रू का आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो भैया ये 100 आपके एंटोनिम्स थे, उम्मीद करते हैं 100 एंटोनिम्स को हमने बेहतरीन ढंग से आपको समझाए, उसके हर वर्ड की मीनिंग समझाते हुए आपके नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट किए, ताकि आपको वो कंटेस्ट हो सके। और इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपको जो है कोई शॉर्ट ट्रिक से हम तैयार करा दें, ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बस एक दो बार आप रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका बेहतर तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट 2 मीन्स इसका दूसरा भाग कल मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा। इसकी दूसरी क्लास जो है आपका कल मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएगा, और कल आपको मॉर्निंग में 100 और एंटोनिम्स मिलेंगे, और 200 एंटोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपकी कंप्लीट होगी। तो प्यारे बच्चे, 100 आज दिए हुए हैं, 100 कल की क्लास में दे देंगे, 200 एंटोनिम्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 3 नंबर का आपका काम 2 क्लास में आपका हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और हाँ, आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे, क्लास कंप्लीट करने से पहले इस बात को जरूर कहेंगे, प्यारे बच्चे आप सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और क्लास 11th 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लास 11th 12th के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना। और बार बार कहते हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक पहुँचाना जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पर सर्च करेंगे, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास एक बेहतरीन लाइन के साथ समाप्त करते हैं, स्ट्रगल के समय आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है। तो प्यारे बच्चे, अभी आपका संघर्ष का समय चल रहा है, संघर्ष के दिनों में इंसान अकेला होगा, लेकिन जिस दिन आपकी सफलता मिलेगी, जिस दिन आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन सब आपकी वाई वाई करेंगे। लेकिन आपने साल भर मेहनत कितना किया हुआ है, उस संघर्ष को कोई नहीं देखेगा, आपकी मेहनत आपके रिजल्ट से लोगों को परवाह होती है। तो इसलिए आपको संघर्ष की कहानी किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सफलता की कहानी सुना देना, लोग आपका लोहा मान जाएंगे, आपको जो है आपका जो है आपकी बातों को वैल्यू देंगे। तो इसलिए अपने संघर्ष को छुप करके आपको संघर्ष करनी है, संघर्ष में कोई आपका साथी नहीं होने वाला है। तो प्यार चीज से सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप संघर्ष करेंगे। तो इन्हीं बेहतरीन शब्दों के साथ आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, लव यू ऑल प्यार बच्चों।